हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू हैप्पी होम मेकर गोल्डी। आज मैं आपके साथ एक मेकअप वीडियो शूट करूंगी, जिसके लिए फर्स्ट थिंग हम लोग को एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना होगा अपने फेस पे, जिससे हमारा मेकअप सेट रहे। मैं यहाँ पे न्यूट्रीजना हाइड्रोबूस्ट का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं जो आपके फेस पे सूट कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे अपने डॉट डॉट करके अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज की तरह अप्लाई करूंगी। जब हमारा मॉइस्चराइजर थोड़ा सेट हो जाए, इसके बाद हम एक फाउंडेशन लेंगे। मैं यहाँ पे फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ, मैबेलिन फिटमी का। ये मेरा शेड है। आप इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, आप पहले चेक कर ले आपको कौन सा शेड शूट करता है फेस पे, उसी तरीके से वही शेड ले अपने फेस पे, और उसके बाद अपने चेहरे पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर ले। यहाँ पे चारों तरफ अपने फेस पे अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर ले अच्छे तरीके से। डॉट डॉट करके आप एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको पानी में वेट करके स्क्वीज कर ले। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे, पूरी तरीके से ऐसे डैप डैप करके पूरे चेहरे पे अच्छे से ब्लेंड करें। कहीं भी छूटना ना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए। आप अगर कंफर्टेबल हो हाथ से तो क्लीन हैंड से भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। मेरे को कंफर्टेबल ब्यूटी ब्लेंडर लगता है तो मैं इसी से करती हूँ, आप किसी भी चीज़ों से कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं कंसीलर के लिए मेबेलिन न्यूयॉर्क का कलर करेक्टर पैलेट लिया है। ये कंसीलर है, इसमें 6 शेड आते हैं। इसको मैं अपने आईज़ के नीचे, क्योंकि हल्का सा डार्क सर्कल होता है, अपने लिप्स के किनारे यहाँ पे भी डार्क डार्क लगता है, फिर जो आपके पिंपल्स के दाग हैं उस पे आप इसको डॉट डॉट करके जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ लगा ले। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से आईज़ के ऊपर लगा ले, तभी आपके ना हमारे आईज़ हमेशा थोड़े से काले होते हैं तो कलर नहीं चढ़ता है। जब आई शेडो आप लगाएंगे तो उसके लिए अगर आप कंसीलर को पहले वहाँ पे आईज़ पे लगा लेंगे तो आपके कलर उभर के आएंगे। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले, और जहाँ जहाँ आपने कंसीलर यूज़ किया है इसको अच्छे से डैप डैप करके ब्लेंड कर ले। फिर यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट के लिए लॉरियल पेरिश मैट मैजिक ऑल इन वन SPF 34 PE++ है। इसमें मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया है। इसको मैं अपने जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है फाउंडेशन और कंसीलर, उसको अच्छे से सेट होने के लिए कॉम्पैक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर बारी आती है आईज़ की, तो यहाँ पे मैं आईज़ के लिए सिवाना कलर्स का प्रो मेकअप नेक्टर न्यूड पैलेट लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें कलर्स अवेलेबल हैं इसमें मैं, और पिगमेंटेड भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें मैं अपने सूट के मैचिंग का एक कलर लूँगी, गोल्डन कलर, और गोल्डन मैट और ग्लिटर को दोनों को मिक्स करके अपने आईज़ पे ब्लेंड करूँगी। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? इसके बाद हम इसी पैलेट से एक ग्लिटर कलर लेंगे और इसको अपने कॉर्नर साइड से आईज पे, इसको कॉर्नर साइड में जिस तरीके से मैंने किया है हाफ हाफ आईज पे, इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से दोनों आईज पे। ऐसे ही कॉर्नर कॉर्नर से लेके हाफ हाफ करके इसको एक शेड देंगे इसी तरीके से, और ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हमारे जो
बिल्कुल कॉर्नर होता है आईज का, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिल्वर कलर का ग्लिटर जो इसमें सेड है वो यूज़ करूँगी। इससे ना आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं और जैसे ना पूरा खिल के आता है सारे कलर। तो यहाँ पे अगर आपको बड़ी आईज दिखनी है आई मेकअप में, तो आप इसको कॉर्नर पे कोई भी सिल्वर कलर या गोल्डन कलर ले सकते हो। उसके बाद ये पीच कलर को मैम मैट पीच को अपने आईज़ के जो एक साइड मैंने छोड़ा था इस साइड से, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगी ये कलर को दोनों आईज़ पे बराबर। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। देख सकते हैं ये दोनों सेट कितने खूबसूरत लग रहे हैं एक दूसरे से मैच करके, एक मैट है और एक ग्लिटर ग्लिटर कलर है। बाद इसी पैलेट से जो ये कंसीलर कलर का है स्किन कलर का, इसी को मैं अपने आईब्रोज के नीचे पुट करूँगी, जिससे क्या होगा कि जब आप आईब्रोज को शेप देंगे ना वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो इसको अपने आईज के नीचे ग्लिटर कलर ना ले, मैट कलर ले और इसको अपने आईज के नीचे ऐसे ही ब्लेंड कर दे। तो आप देखेंगे कि जो भी कलर आप पुट करोगे ना वो सारे कलर्स अलग अलग अच्छे से खिल के आएंगे। फिर बारी आती है आईब्रोज़ की, तो मैं आईब्रो पेंसिल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसी पैलेट से जो ब्लैक कलर है इसी को अपने आईब्रोज़ पे इसी से शेप दूंगी। और देखिए इस तरीके से मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस आईब्रोज़ को शेप देंगे और जो भी मैंने यहाँ पे आई शेडो पुट किया था उसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, दोनों आईब्रोज़ को बराबर शेप दे देंगे। फिर मैंने यहाँ पे मिनीसु का एक स्केच आईलाइनर लिया है, जिसकी हेल्प से मैं अपने आईलाइनर पुट करूँगी यहाँ पे उसी स्केच से। तो देखिए कितनी इजीली यहाँ पे आपके आईलाइनर लग जाते हैं स्केच आईलाइनर से। फिर यहाँ पे मैं मैबेलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल इजी वॉश मस्करा लिया है, इसको अपने लैसेस पे मैं कर्ल करते हुए इसको ऐसे ही पुट करूँगी, जिससे आईज कर्ल लैसेस दिखेंगे। इसको लोअर लैसेस पे भी पुट करना है इसी तरीके से, दोनों आईज पे इसको ऐसे पुट कर ले जिससे आईज बहुत लैसेस बड़े बड़े दिखेंगे और बहुत ही सुंदर आईज आपकी दिखेगी। फिर यहाँ पे मैं मैवेलिन कोहल काजल लिया है ब्लैक कलर का, इसको अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर लेंगे इसको दोनों वाटर लाइन पे और नीचे थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए इसको डार्क कलर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम वही आई शेडो पैलेट लेके एक ब्रश की हेल्प से जो कलर का हम लोगों ने आई शेडो लगाया था उसी कलर का अपने वाटर लाइन के नीचे ऐसे ही इसको एक पतले ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे आपकी आईज़ बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। फिर यहाँ पे मैं ब्लशर के लिए, ब्लशर और हाइलाइटर के लिए स्विस ब्यूटी का ब्लशर प्लस हाइलाइटर पैलेट लिया है, इसमें बहुत ही खूबसूरत शेड्स हैं और ये बहुत ही पिगमेंटेड है। तो इसके लिए एक ब्रश की हेल्प से अपने चीक पे ऐसे अप्लाई करेंगे, आपका इससे हाइलाइटर और ब्लशर दोनों का काम हो जाएगा, 2-in-1 पैलेट है। इसको ब्रश की हेल्प से ऐसे ही अपने नोज पे, चीन एरिया पे और अच्छे से इसको ऐसे ही ब्लेंड कर लेंगे, जिससे आपके एक अच्छे से ग्लो और पिंकिश ग्लो आएगा आपके चेहरे पे, जिससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके बाद मैंने मिनीसो का ये स्टिक लिया है, हाइलाइटर स्टिक लिया है, इसमें कॉन्टोर और हाइलाइटर दोनों बोलते हैं बट ये हाइलाइटिंग का काम करता है। तो इसको मैं अपने हाइलाइटिंग जोन पे, जैसे कि हमारा नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, टी जोन हो गया, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी जो हमारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ग्लो के लिए मैं अपने ब्लशर के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर पुट कर दिया है, जिससे एक अच्छा सा ग्लो दिखेगा मेरे मेकअप पर। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ के नीचे भी थोड़ा सा पुट करूँगी, जिससे ये भी हाईलाइट होके आए आईब्रोज़ मेरे।
और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं लिपस्टिक के लिए इनसाइट का ये लिपस्टिक लिया है जो शेड नंबर 13 है और ये टॉफी क्रीम करके इसका नाम है, नॉन ट्रांसफर लिप्स कलर है। इसको मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी और ये बहुत ही खूबसूरत शेड है। सो देखा ना कितनी अच्छी तरीके से यहाँ एक लुक क्रिएट हो गया। आप भी अपने घर पे ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से कम चीज़ों में। तो आप ये मेकअप लुक कहीं भी आप करके जा सकते हैं, पार्टी फंक्शन घर में, अगर आप नई नवेली दुल्हन है तो आप डेली ऐसा मेकअप कर सकते हैं, साड़ी सूट किसी पे, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपका ये मेकअप लुक मेरा बहुत अच्छा लगेगा। आप भी करिए अपना मेकअप लुक और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैंने बहुत कोशिश किया है इजी तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करने का। आई उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा ज़रूर।